झारखंड में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई के बाद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने मीडिया से चर्चा करते हुए हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोरेन सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। झारखंड आंदोलनकारी मामले में उन्होंने कहा कि सभी आंदोलनकारी को स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, इनकी आज राज्य में पूछ नहीं होती। हमेशा कभी भी किसी विषय का समाधान नहीं किया। आप अलग राज्य से लेके आइए जाइए, अलग राज्य का समाधान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया नहीं। कभी समाधान के पक्ष में ही रहते नहीं, और वही आचरण आज सरकार चलाने में भी वही आचरण को दोहरा रहे हैं। वो किसी विषय के साथ किसी समाधान के लिए वो नहीं जाएंगे। वो चाहते हैं कि एक पॉलिटिक्स जिंदा रहे, एक विषय जिंदा रहे, जिसके ऊपर वो भावनात्मक रूप से झारखंड के लोगों के साथ खेलते रहे। इस बार वो युवा के साथ खेल रहे हैं और उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कितनी मेहनत से नौजवान तैयारी करता है। वो नहीं समझ रहे हैं कि एग्जाम करने के लिए उसको कितना समय, कितना उसके परिवार का समर्पण होता है। अगर इस चीज की चेतना होती तो ऐसे निर्णय कभी लेके नहीं आते।